प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यार सब लोग अरे खाली रहते सब लोग अभी पता ही नहीं चला कितना दिन खत्म हो गया। मजा है खाने का, बुद्धि का मतलब बोले कि जो बहुत चिकन चिकन हो जाता है। अरे मजा तो बताता है यार। अरे बस कर अभी, बस कर क्या गए। अच्छा सब लोग आ गए। हाँ भैया, चलो भाई, चलो बच्चों, चलो। एक मिनट बबीता जी कुछ बोल रहा है, बोलिए बोलिए बबीता जी। अय्यर नहीं आए। अरे सीटी क्यों बजा रहा है? चिट्ठालाल, 3 सीटी का मतलब है कि कोई गुम हो गया है। अरे पर यहाँ तो सबको पता है ना कि अय्यर गुम हो गया, तो फिर सीटी किसके लिए? अब नहीं, लेकिन नियमों का पालन होना चाहिए ना। अरे प्लीज, पार्क बंद हो गया है, चलिए। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ, हम लोग का एक आदमी शायद अंदर रह गया है, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। अरे भाई एक नहीं दो भागा, भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बागा भी नहीं है। बागा के लिए तो अय्यर भाई और बागा दोनों कहाँ गायब हो गए? चलें, बागा का तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन हाँ अय्यर ने मुझे फोन किया था बीच में एक बार कि वो भूल भुलैया में है। हे भगवान, ओ कोई गल नहीं यारो, और मैं अभी दोनों को ढूंढ के लाता हूँ। अरे ओ भाई सोड़ी, तू रहने दे, वरना तुझे ढूंढने के लिए और 4 आदमी को भेजना पड़ेगा और 3 सीटी और सुननी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ अय्यर भाई को छोड़ो, बागा को ढूंढो। क्यों? नहीं नहीं, मतलब क्या, अय्यर भाई तो साइनिस्ट है, तो साइनिस्ट लोग तो क्या है, आए दिन कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, तो वो रास्ता खोज लेंगे। लेकिन बागा तो बागा है ना, वो बेचारा रास्ता नहीं खोज पाएगा। हाँ सही बात है। एक मिनट रुकिए, मैं वॉकी टॉकी पे फाइंड आउट करता हूँ। हाँ प्लीज। देर आए लेकिन बाहर आए। अरे कोई जरूरत नहीं वॉकी टॉकी पर फाइंड आउट करने की, वो देखो वॉकिंग टॉकिंग करके आ रहे। सॉरी सॉरी, कितने बनाया होगा। लेकिन अय्यर भाई बाहर ले आया ना, लेकिन आज के बाद मैं कभी नहीं जाएगा। आगे आगे भाई आगे। अरे चलो अय्यर, तुम्हें भूल भुलैया में इतना क्या मजा आ रहा था कि तुम बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे? अरे मेरे को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा तो मैं बाहर निकलूंगा ना, और मैं तो वहाँ तुमको ढूंढने गया था। बबी को मुझे तुम माने कहते बाहर निकली, मैं तो वहां गई नहीं। क्या डाला? एक मिनट, तो फिर बबीता जी आपने मुझे फोन क्यों किया कि मैं भूल भुलैया में फंस गई हूँ? मैंने? हाँ? पर मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरा फोन तो अय्यर के पास है। हाँ और क्या, और इसमें मेरा 15 मिस कॉल भी है। बबीता तुम फोन को साइलेंट पे क्यों रख दी हो? बबीता का फोन तो मेरे पास है, जेड़ा लाल को कितने फोन किया। चलो 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 चलो, आप मिल के ना, चलो निकल। चलो चलो, एक मिनट सेठ जी, अगर बबीता जी का मोबाइल अय्यर भाई के पास था तो फिर आपको बबीता जी बन के किसने फोन किया था? हाँ अब बोला।
पागा। कौन है वो? किसने ऐसा गंदा मजाक किया मेरे साथ? कौन है वो? अरे जान जीतन। कौन है जिसने मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक किया? जीतन ब्रा। सामने आए मेरे। अरे मजाक तो मेरे साथ हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं किसी ने कर लिया होगा मजाक यार, पिकनिक हो जाता है, अभी चलो वरना आखिरी फेरी भी चली जाएगी। चलो चलो चलो। धरती न छेड़ो घर, घर पहुँच गए मतलब स्वर्ग मिल गया। बिल्कुल सच कहा दया भाभी, आज तो इतनी थकान हो रही है कि पूछिए मत। आज अगर मेरे साथ मेरे इस छाते का सहारा नहीं होता ना तो मैं तो बिल्कुल गिर ही जाता। काश छाता नहीं होता। क्या बेटा सा भाभी। चलो भाई चलो घर चलो। एक मिनट। पापा जैसे सोड़ी अंकल ने कोकी कूटा है वैसे आप भी मुझे उठाओ ना, मैं बहुत थक गया हूँ पापा। टप्पू मेरा बेटा, इतनी रात को ऐसा झोंक मत मार बेटा, मैं इतना थक गया हूँ कि हंस भी नहीं सकता। प्लीज बेटा, जी करता है मैं इधर ही सो जाऊं। जी हाँ सो जा, इधर ही सो जा, मैं बिस्तर लेके आता हूँ। चाचा जी एक मिनट रुकिए ना। ओए गोगी पुत्र, ओ यार अभी तू उतर, ओ मैं थोड़ा थक गया हूँ यार। पापा प्लीज अब मुझे ऐसे ही घर लेके जाओ ना प्लीज। ओके गोगी पुत्र। हाँ सोड़ी। पापा बहुत ठंडी लग रही है। बेटा घर आ गया अब। यार लेट्स गो होम। हाँ चलो चलो। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। देखिए मैं जानता हूँ कि सब लोग थके हुए हैं लेकिन ये बात भी बहुत जरूरी है। हाँ अरे अभी तुझे क्या कहना है भिड़े इतनी रात को। बोलो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे अरे सॉरी मुझे बोलने दीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैं फटाफट बोलता हूँ। अच्छा भाई चलो जो बोलना जल्दी फटाफट बोलो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी के माननीय मेंबर श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी का मैं पूरी सोसाइटी की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आराम से क्योंकि इन्हीं की वजह से सोसाइटी में लाइट गई। लाइट कैसे चली गई? लाइट लाइट चली गई भाई। अभी आप सब लोग मुझे ही पूछोगे कि लाइट क्यों चली गई। अरे पत्रकार पोपटलाल जी आपने पूछा नहीं कि एक में और सेक्रेटरी साहब ये लाइट क्यों चली गई? तुम सेक्रेटरी हो तुम्हें पता होना चाहिए। और चाचा जी आपने भी नहीं बोला कि अरे बीडी बस यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहे हैं, जाके देख लाइट क्यों चली गई। बोलो मैं क्यों बोलू? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे क्या यार भिड़े, थकान की वजह से तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? क्या दिमाग था? अरे हम तुम्हें क्यों बोलेंगे लाइट के लिए, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, कोई इलेक्ट्रिशियन थोड़े ही हो। हाँ। देख भाई अब्दुल। हाँ। गार्डन में लाइट है, अपने यहाँ नहीं है, कुछ फ्यूज गया दिखता है, मीटर रूम में जाके चेक करना है प्लीज। हाँ भैया। अरे मेहता साहब इतने अंधेरे में मीटर दिखेगा कैसे? अब्दुल अपने मोबाइल की लाइट से चेक कर लेंगे चला। अरे भाई एक मिनट लाइट का मामला इतना लाइटली मत लो, वो क्या है कि मोबाइल की लाइट से वायर बराबर चेक नहीं होंगे, इसके लिए ज्यादा रोशनी वाली कोई चीज ढूंढो जैसे टॉर्च। बिल्कुल हाँ ये बात भी ठीक है, मैं घर से टॉर्च लेके आता हूँ। एक मिनट तारक, टॉर्च है पर सेल नहीं है उसमें। ओहो भाई मेरे पास घर पर सेल है, टॉर्च नहीं है। अरे पोपटलाल फिर क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास सेल है टॉर्च नहीं है,
मेरे पास टॉर्च है, सेल नहीं। तुम सेल लाओ, मैं टॉर्च में लगा देता हूँ। यस मेहता साहब, आपके टॉर्च में कौन से सेल डलते हैं? नॉर्मल जो मीडियम साइज के सेल होते हैं वो। ओ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मेरे पास वो पेंसिल सेल है। आपको वैसी टॉर्च रखनी चाहिए जिसमें पेंसिल सेल जाए। ए भाई पोपट लाल, अरे एक मिनट, हमारा ये हाथी भाई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास तो टॉर्च होता ही है ना भाई, वो पेशेंट का तबियत चेक करने का है। नहीं हाथी भाई, आपके पास तो होगा ना टॉर्च? हाँ, आप यही रहते हैं ना, प्लीज। वो क्या है ना जेठा भाई, मेरी टॉर्च की बैटरी ना वो पेशेंट खा गए। पेशेंट खा गए? और क्या है ना, ऐसे देखते है ना मुँह, उसमें खत्म हो गई। टॉबी जाओ, हा? मेरे घर में टॉर्च और सेल दोनों है, मैं अब भी लेकर आती हूँ। हाँ रोशन भाभी। शिव पापा, पहले इतने थक चुके हैं, ये लाइट को भी आज ही जाना था। इसे कहते हैं माधवी भाभी, गरीबी में आटा गीला। और नहीं तो क्या, इतनी नींद आ रही है और ये लाइट गई। तो एक काम कर, जल्दी से घर पे जा और सो जा। काजल है ना? क्या हुआ? दया जल्दी घर खोल, जल्दी घर खोल। आई आई बाबूजी, आई आई। हाँ हाँ सोनिया आ जा, और तू दूर से ही रोशनी दिखाई देती है यार मेरी, रोशन आ जा। रोशन, रोशनी लाके आ गई, क्या बात है। अब्दुल ब्रा चल आ जा, पपड़ो चल। हाँ चलो चलो भाई, देखो देखो सावकाश हो। क्या है? अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि आप इधर ही सो गए, आइए बेडरूम में चलकर सो जाइए। अरे दया इतना थक गया हूँ कि यहाँ से उठकर चलकर बेडरूम में जाने की भी ताकत नहीं है मेरे पैरों में। अरे एक काम कीजिए, गरम गरम पानी से नहा लीजिए, थकान दूर हो जाएगी। यहाँ मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो लाइए टप्पू के पापा आपके हाथ पैर दबा दो, ऐसा बोलने के बजाय नहाने की मन्नत करवा रही है मुझसे। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? अरे टप्पू के पापा लाइट ही नहीं है, तो गीजर कहाँ से चालू होगा, पानी कहाँ से गर्म होगा, उल्लू बनाएगा। दया एक तो पहले ही मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे, ऊपर से ऐसे वाहियत चुटकुले सुनाकर सर दर्द मत बढ़ा। ऐसे थोड़ी होते, मैं तो हंसने की कोशिश कर रही थी, हंसने से थकान दूर हो जाती है, तन भी स्वस्थ रहता है, हंस हंस हो जाए तो हंसने से तो अच्छे ही होते हैं। तो मन नहीं, कौन है उधर, किसके साथ बात कर रही है? कोई नहीं, कुछ नहीं, चलिए मैं आपको पैर दबा देती हूं। हां ये हुई ना कुछ बात, दबा दबा भाई। आ हा हा, यह दर्जा दौर है। क्या कर रहे है? बहू से पैर दबा रहे? बहू क्या मशीन है? तू थक गया है, तेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या बहू नहीं थकी होगी? उसके पैर में दर्द नहीं हो रहा होगा? अरे हाँ सॉरी सॉरी बाबू जी, सॉरी दया, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। ला दे, मैं तेरे पैर दबा देता हूँ। ए होशियारी, रेवा दे रेवा दे, चाप ले रेवा दे। बहू जी, बापूजी जरा मेरी दवाई देना। हाँ बापूजी। मिल गई, लीजिए बापूजी। हाँ अरे भाई रहने दे रहने दे, रहने दे, अंदर जाके सो जाता हूँ।
ओ यार वायर वायर तो सब जुड़ी हुई है और फ्यूज भी सारे ठीक है। तू लाइट कैसे गई सोड़ी? सोड़ी भाई वो वायर देखो, ओ रेड ब्लैक वाला, उसको थोड़ा सा हिलाओ लाइट आ जाएगी। पक्का? शायद मैं इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हूँ, वो एक बार इलेक्ट्रिशियन आया था, उसने ऐसा वायर को हिलाया ना तो लाइट आ गई थी। ओ पिड़ो ओ जरा लाइट मार। अरे उधर अब्दुल पे नहीं, इधर मार। टप्पू के पापा ये क्या, कपड़े बदल के सोइए ना। चलिया। अरे दया सोने देना भाई प्लीज, नहीं बदलना कपड़े मुझे। और देख कुछ भी हो जाए सुबह 10 बजे तक जगाना मत मुझे। टप्पू के पापा एकदम बच्चे जैसे है, कपड़े बदले भी नहीं सो गए। टप्पू भी एकदम पापा के ऊपर ही गया है, कपड़े बदले भी नहीं सो जाता। अरे ओ भाई कितना बोलेगी तू, इधर सर पे खड़े रह के सोने देना भाई शांति से। सॉरी। सो जाइए हाँ, मैं नहा लेती हूँ गर्म पानी से। उल्लू बनाया नौटंकी। अरे हाथी भाई थोड़ी सी जगह दीजिए ना, मैं भी बहुत थक गया हूँ। बैठो बैठो। अरे थोड़ा और खिसकिए, इतने में कैसे बैठूंगा मैं। अरे पोपटलाल खुद को देखो, और कितनी जगह चाहिए तुम्हें। पोपटलाल बैठ जाओ ना भाई, अभी तक थके नहीं हो क्या, बहस कर रहे हो इतने। अच्छा ठीक है भाई। अब्दुल प्राय ये वायर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अच्छा एक मिनट दिखा पीड़ो। फिर कहाँ से प्रॉब्लम है? ओ तेरी लो। ओ पिड़ो अपना मेन स्विच ही ट्रिप कर गया है। ओ अभी देर ठीक हो जाएगी लाइट, जो बोले सोने हाल सच्ची अका। ये लो आ गई भैया, बहुत अच्छे जवाब लिखो बेटा। उधर चल ये मीटर रूम है, अगर चिपक गया ना तो ये हो जाएगा। चलो चलो चल भाई चल, बैठो अब पूरी रात इधर ही बैठो। गुड नाइट मैं दादा। अरे एक मिनट भाई मैं दादा। गुड नाइट। एक मिनट उन्हें तो आने तो, जिनकी वजह से लाइट आई है। अरे आ जाएंगे भाई आ जाएंगे। लो आ गए। थैंक यू छोड़ी मिड़े, थैंक यू अब्दुल। ओ वेलकम वेलकम। चलो मैं चलता हूँ। ओके गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट भाई। थैंक्स यार। चल चल रोशनी लौकर चलो। हां रोशनी चल भाई अपने छोटी पैलेस में चल। गोगी कितने? इधर ही तो था गोगी। गोगी बता, मेहता साहब की करते नहीं हो? चल चल पूछते। और मेहता साहब। अंजलि भाभी और जल्दी दरवाजा खोलो यार, नींद आ रही है। क्या हो गया क्या हो गया? ओ गोगी आपके घर में आ गया? नहीं भाई आपके घर नहीं है। कहाँ गया गोगी? पता नहीं। हाँ, इधर ही था गोगी। यही कहीं होगा, देखो देखो। अरे टेंशन मत ले सोड़ी, यही कहीं होगा भाई, देख ले। अरे इधर पूछता हूँ, आ जा। ओके ए रोशन तू किधर, मजाक तो नहीं कर रहा है ना? वो सुनिए इस समय मजाक करने का वक्त है, इधर गोली के साथ होगा, चल देख लेते हैं। नहीं नहीं गोली के साथ नहीं गया है। हाँ हम लोग जब आए तब गोली अकेला ही था ना। वो पर यार दिल की तसल्ली के लिए एक बार पूछ लेते हैं ना। चलो डर गया नहीं सूचे। अब आती ब्रा गोली। क्या हुआ? अरे कोमल भाभी वो गोगी है? नहीं चायू, मैंने कहा था ना नहीं है। क्यों क्या हुआ? कोमल भाभी गोगी नहीं मिल रहा है। अरे रोशन वो जब मैं गया था तो गोगी को तेरे पास छोड़ के गया था ना। नहीं रे नहीं, जब मैं टॉर्च लेने गई थी तो गोगी को तेरे पास छोड़ के गई। जब तू आई तभी तो मैं गया। मतलब गोगी तेरे साथ नहीं था? अरे मेरे साथ तो पिड़ू और अब्दुल गए थे। फिर किधर गया? चल चल मिल जाएगा, अपने टप्पू के यहाँ देखा? नहीं नहीं तू देखा। चल अरे टप्पू टप्पू देखो ना यहीं कहीं होगा। गोगे अरे टप्पू गोगे काय माहिती ये आता तर होता। टप्पू अरे जेठापरा टप्पू
अरे टपो ओके। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? अंधेरा चला गया, रोशनी हो गई। रोशनी गोकुल धाम में भी हुई, लेकिन एकदम से अंधेरा हो गया क्योंकि गोगी गुम हो गया है। अरे इतना छोटा सा बच्चा अगर गुम हो जाए तो भाई ये बात तो अंधेरे जैसी ही है। अब मित्रों सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आखिर गोगी कहाँ गया, क्योंकि उसे सोसाइटी की जमीन तो निगल नहीं सकती या सोसाइटी का आसमान तो नहीं खा सकता, आखिर गया तो गया कहाँ। और दिन भर की मौज मस्ती के बाद गोकुल धाम के निवासियों के लिए खबर ऐसी ही है जैसे पिकनिक का हलवा खाने के बाद कोई कड़वा करेला खिला दे। अब स्थिति यह है कि गोगी को ढूंढना है, लेकिन आखिर गोगी को ढूंढा कहां जाए, किसी को पता नहीं है कि गोगी कहां है। स्थिति बड़ी विकट है, बड़ी गंभीर है। गोकुल धाम के निवासी कहां तलाशेंगे गोगी को? आपको भी इस सवाल का जवाब तलाशना है और आप भी सोचिए कि गोगी कहां होगा, और अगर पता हो तो मुझे जरूर बताइए। और अगर नहीं कुछ ढूंढ पाते हैं तो देखिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और हां, आके आपके साथ हमेशा रहेंगे, वो कहीं खोने वाले नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.